हरिओम, आज मैं आपको QRS के बारे में बताऊंगा। लोको में QRS रिले इलेक्ट्रिकल रिले है और ये TR पैनल पर लगी होती है। ये रिले कैसे काम करती है, इसके इनर्जाइज और डी इनर्जाइज होने से क्या होता है, ये सब बातें आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं QRS को सप्लाई CCLS फ्यूज से मिलती है। ये CCLS फ्यूज से BL को जब ऑनलॉक अनलॉक करते हैं तो QRS रिले इनर्जाइज होती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि BP प्रेशर डाई से 4.2 kg के बीच में होना चाहिए। जैसे कभी कोई लोको डी इनर्जाइज पड़ा हुआ और BP प्रेशर जीरो है तो BL को अनलॉक करने पर QRS इनर्जाइज नहीं होगी, लेकिन आपने लोको को इनर्जाइज किया पहले से उसमें BP प्रेशर है तो QRS इनर्जाइज हो जाएगी। कुल मिला के इसमें RGEV का एक कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक। इसका सेटिंग ऐसा है कि 4.2 kg BP प्रेशर बढ़कर होने पर यह कॉन्टैक्ट यहाँ लग जाता है और BP प्रेशर घटकर 2.5 kg हो जाए तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से खुल जाता है। तो अभी यूँ माने कि BP प्रेशर 2.5 kg से ज़्यादा है और ये कॉन्टैक्ट यहाँ लगा हुआ है, तो ऐसे आगे चलेंगे तो यहाँ से QRS ये BL को अनलॉक करने पर इनर्जाइज हो गई। यहाँ पे CTF ब्रेकिंग का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यानी कि जब हम डायनामिक ब्रेक लगाते हैं, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लगाते हैं, तब अगर किसी कारण से BP प्रेशर घटकर 2.5 kg से कम भी हो जाए, ये इंटरलॉक खुल जाए, तो भी QRS डी इनर्जाइज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें CTF ब्रेकिंग में है, इसलिए इधर से QRS मेंटेन रहेगी। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि एक तरफ तो हम डायनेमिक ब्रेक लगा रहे हैं, यानी कि ब्रेकिंग कर रहे हैं, और ब्रेकिंग करते समय अगर किसी कारण से प्रेशर ड्रॉप हुआ तो भी ब्रेकिंग ही होती है। तो उस समय क्या होगा, अगर यहाँ से QRS को डी इनर्जाइज करा दिया जाए, ये न लगा के इसके द्वारा प्रेशर ड्रॉप होने पर, तो क्या होगा कि Q51 इनर्जाइज होके ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा और हमारा डायनामिक ब्रेक कट जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं डायनामिक ब्रेक लगे, इसलिए ये व्यवस्था की है कि जब जब भी आप डायनामिक ब्रेक लगाते हैं तो BP प्रेशर घट जाए तो भी QRS डी इनर्जाइज नहीं होगी और डायनामिक ब्रेकिंग का ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा। इस तरह हमने देखा कि QRS कैसे इनर्जाइज होती है। तो ये तो कि हमने इनर्जाइज होने वाली बात, अब ये इनर्जाइज होके करती क्या है। तो QRS इनर्जाइज होके दो जगह विशेष और भी काम है इसके। एक तो QRS का इंटरलॉक यहाँ Q51 पर लगता है, NC इंटरलॉक। तो जैसे QRS डी इनर्जाइज होती है, NC इंटरलॉक Q51 पर लगेगा, Q51 इनर्जाइज होगी और Q51 का NO इंटरलॉक स्वतंत्र फीडर के द्वारा यहाँ लगेगा V2 की ब्रांच पर और ऑटो रिग्रेशन आएगा। तो एक तो ये है कि QRS डी इनर्जाइज होने पर ऑटो रिग्रेशन लाती है, और दूसरा ये है कि QRS का एक इंटरलॉक VEF पे भी लगता है, NO इंटरलॉक। यानी कि जब CTF ब्रेकिंग में होते हैं तो ये ब्रेकिंग के इंटरलॉक लगे हुए हैं, QV64 का NC इंटरलॉक क्योंकि Q50 इनर्जाइज है भी, और QRS का NO इंटरलॉक VEF इनर्जाइज। यानी कि जब QRS इनर्जाइज है तो NO इंटरलॉक लगा हुआ है, MP को P पे रखते ही VEF वाल इनर्जाइज हो जाता है, और इनर्जाइज होकर DBR लगाते समय N9 द्वारे जब लोको ब्रेक गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो उस समय लोको ब्रेक को नहीं लगने देगा, यह व्यवस्था इसके लिए की गई है। अब यहाँ QRS का NO इंटरलॉक क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है जब BP प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो गया किसी कारण से, या हमने N9 को इमरजेंसी पे रखा, तो QRS डी इनर्जाइज हो जाएगी, NO इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएगा और VEF वाल भी डी इनर्जाइज हो जाएगा। उस समय गाड़ी के साथ साथ लोको को भी ब्रेक लगेगा, ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है। यहाँ पे PVF दबाने पर भी VEF वाल इनर्जाइज होता है, तो वहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है। अगर आपने A9 को इमरजेंसी पे रख दिया या फिर किसी कारण से BP प्रेशर ड्रॉप हो गया तो QRS डी इनर्जाइज हो जाएगी, और आप भले ही PVF दबाते रहो तो भी VEF वाल इनर्जाइज नहीं होगा। यानी कि A9 को इमरजेंसी पर रखकर PVF अगर दबाया जाए तो लोको ब्रेक रिलीज
नहीं होगा। इस प्रकार QRS का हमारे लोगों में कार्य है। धन्यवाद।